खबर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से है, जहां पर इमरान मसूद निकाय चुनाव को लेकर हुई बैठक में शामिल हुए और बैठक में से निकलने के बाद उन्होंने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने का काम किया जाएगा और बहन जी की नीतियों और उनके द्वारा किए गए कार्यों का जन जन तक पहुंचाया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा है कि निकाय चुनाव में पूरे बल के साथ बहुजन समाज पार्टी चुनाव लड़ेगी। वहीं इमरान मसूद ने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा आरक्षण विरोधी सरकार है। बहुत ही ये बहुत महत्वपूर्ण है कि अति पिछड़ों और पिछड़ों को और पिछड़ा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कुछ ना कुछ योजनाएं बनाती है। हालांकि भाजपा तो ये कह रही है कि हमने कमेटी का गठन कर दिया है, जैसे ही हमारे पास डाटा आएगा हम चुनाव के लिए तैयार हैं, बिना आरक्षण के हम चुनाव में जाएंगे ही नहीं। देखिए, जब हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि आप समयबद्ध तरीके से चुनाव कराएं और 31 जनवरी तक का उन्होंने समय दिया हाईकोर्ट ने, तो पहले आप सुप्रीम कोर्ट से आदेश आएगा, तभी तो हाईकोर्ट के आदेश की आप हाईकोर्ट के आदेश को नहीं मान पाओगे, वरना तो आप बाउंड हो, कैसे नहीं आप हाईकोर्ट के आदेश को मानेंगे आप।